नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई सिंगापुर से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सिंगापुर का वीजा आ गया है। जी हाँ, वीजा आ गया और वीजा को चेक भी करवा लिया, तो पैसा देना बनता है ना। वीजा मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरह के वीजा। अच्छी बात यह है, 4 अप्रैल 2021 यानी आज की डेट की बंदे की फ्लाइट है। यानी अपने अपने हिसाब से बंदा आज की डेट में शाम, रात या नाइट तक ये बंदा सिंगापुर में होना चाहिए। जी हाँ, हम उम्मीद करेंगे बंदा अगर हमें वीडियो ये देख रहा है तो सिंगापुर पहुंच के कॉल जरूर करे भाई, क्योंकि ये आप ही का वीडियो है। आप सिंगापुर जा रहे हो, आपकी अच्छी बात है, ये बधाई हो आपको एडवांस में। लेकिन बधाई देने से पहले हम कुछ इस डॉक्यूमेंट को चेक जरूर कर लें और आपको भी करवाने की कोशिश करेंगे स्क्रीन के माध्यम से। किसी तरीके से एजेंट आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाते हैं तो क्या चेक करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या पैसे एजेंट को दे देने चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे बता दूं, 1,30,000 में बंदे से डील हुई थी। 1,30,000 मात्र आपको सिंगापुर का वीजा का देना है। 1,30,000 तो कोई ज्यादा नहीं है यार, लोग गल्फ देशों में, कुवैत में, इन देशों में दे देते हैं 1.5-2 लाख रुपए, तो लोग कुवैत देके जाते हैं। जी हाँ, 1,30,000 में कनाडा जा रहे हो भाई, अच्छी बात है ना। ये सैलरी वेलरी की यहाँ पे अपने पास कोई न्यूज है नहीं, तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। वीजा के बारे में बात करेंगे, आपको वीजा भी हम दिखाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीजा दिखा दूं, उसके बाद में वीजा जो ऑनलाइन चेक हुआ उसको भी हम दिखाएंगे। ये वीजा है भाई, आप देख सकते हैं, ये होटल इन एड्रेस सिंगापुर का है, मेरिशन होटल का है, ये ऐसा कुछ ऊपर इसमें एड्रेस लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। जी हाँ, ये एप्लीकेशन 9 मई को अप्रूव्ड हो, जी हाँ वैलिड है ये 9 मई 2021 तक। और इसमें देखिए पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया गया है, कंप्रेशन इलेक्ट्रिशियन का इसमें इसका काम रहेगा। जी हाँ, ये भी इसमें सब कुछ बताया गया है। ये आपको शॉर्ट तरीके से मैं वीज़ा दिखा देता हूँ। वीज़ा हालांकि 9 पन्नों का है, आपको पता है भाई सिंगापुर के, यूरोप कंट्रियों के ऐसे ही वीज़ा आते हैं। इस वीज़ा को आपने देख लिया, अच्छी बात है। इस वीज़ा को हम चेक करते हैं, तो किस तरह का ये वीज़ा होना चाहिए भाई, अगर चेक करेंगे तो ये देखो जी, ये वीज़ा ऑनलाइन चेक किया गया है। ये स्क्रीन पर गौर से देखना है, कंपनी कोटा अवेलेबिलिटी एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह उसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है। पूरा देखिए, छोटा सा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। रिक्वेस्ट पर्टिकुलर्स इसमें देखिए, रिक्वेस्ट नंबर भी इसमें मेड इन डाला गया है, 23/3/2021 का है। नंबर देखिए इसमें, NRIC नंबर, फाइल नंबर इसको बोल सकते हैं। इसके नीचे आ जाओ जी, इसमें देखिए नीचे MALAYSIAN, इसका मतलब सिंगापुर नहीं होता है, इसका मतलब मलेशियन होता है, मलेशियन न्यू IC नंबर। यहाँ पे झोल हो गया भाई, ये समझ सकते हैं मलेशिया इसमें नाम आया है, आप समझिए। नीचे भी हम देख लेते हैं दोबारा, CPM सम्बिशन नंबर आ गया, इसमें एम्प्लॉयर नेम आ गया, एम्प्लॉयर क्यूबा अवेलेबिलिटी आ गई, इसमें डेवलप्ड टू कंपनी वगैरह वगैरह इसमें आ गया, नोट भी इसमें आ रहा है। क्या आपको इस वीज़ा को ऑनलाइन चेक करने पे कहीं पर भी सिंगापुर का नाम आया है? ये आप लोगों को बहुत बड़ा एक धोखे में रख के इस तरह के वीज़ा चेक होते हैं। जी हाँ, क्या सिंगापुर का इसमें वीज़ा? भाई एक बात बताइए, जब कोई आदमी अगर इंडिया का वीज़ा लेता है, मान लीजिए इंडिया का वीज़ा कोई विदेशी ले रहा है, तो क्या उसमें पाकिस्तान का नाम आएगा या फिर इंडिया का नाम आएगा? उस वीज़ा में पाकिस्तान, इंडिया का नाम ही नहीं आ रहा है, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, सेम कंडीशन है। सिंगापुर का वीज़े को ऑनलाइन चेक करेंगे तो मलेशियन नाम आ रहा है इसमें, क्यों? जोड़ है ना, बड़ा जोड़ है ना इसमें, ये होता है ऐसा। सिंगापुर के नाम से सबसे बड़ा ये झोल इसमें चल रहा है, सबसे बड़ा स्कैम सिंगापुर के नाम से चल रहा है भाई, आपको बचना जरूरी है। इसीलिए ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वीज़ा आ गया, ऑनलाइन चेक कर रहे हो, खुश हो रहे हो, घर वालों को सबको बता रहे हो जी सिंगापुर जा रहे हैं, जी वीज़ा आ गया हमारा, एजेंट को दे दो जी पैसे, ब्याज भी उठा के, गहना बेच के, गहना गिरवी रख दो, ज़मीन गिरवी रख दो, 4 रुपये सैकड़े से ब्याज पैसे उठा लो, दे दो एजेंट को, फिर वो खा पी के रफू चक्कर हो जाएगा, फिर आप रोते रह जाओगे। कहने का मतलब है, वीज़ा सिंगापुर का आए तो उसको वेरीफाई जरूर कर लें, करवा लें, उसी के बाद पैसा देने की सोचें, वरना भाई आपका पैसा एक बार हाथ से निकल गया वापस नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी जोर लगा लेना। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।